हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्नेहा और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी साड़ियों का कलेक्शन आपको दिखाने जा रही हूँ जो कि मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है और जो कि सच में बहुत अच्छे निकले हैं। बस मैं उन्हीं साड़ियों को आपको दिखाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले जो मेरी साड़ी है वो ये है। ये देखिए, ये येलो कलर और रेड कलर में साड़ी है, बहुत सुंदर लगती है। इसको मैंने 4-5 बार पहना भी है, सुंदर भी लग रही थी ये साड़ी। और ये देखिए, इसको मैंने अमेजोन से परचेज किया था। इसमें चुनरी प्रिंटेड बॉर्डर लगे हुए हैं। ये भी जो बॉर्डर लगे बहुत सुंदर है और इस तरह के आंचल पे इस तरह के पैच लगे हुए हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसका जो फैब्रिक है वो भी बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर लगता है ये साड़ी पहनने पर। और किसी भी पूजा में, किसी फेस्टिवल में पहनने पर इस तरह की साड़ियाँ बहुत सुंदर दिखती हैं। तो इस तरह के जो पैच लगे हुए आंचल पे लगे हैं 3, और इसी तरह पूरी साड़ी में नीचे में जहाँ पे प्लेट वगैरह आते हैं वहाँ पे ये आंचल इसी तरह के पैच जो है मिल जाएंगे। बहुत सुंदर है ये साड़ी। और इसका ब्लाउज मैंने आपको दिखाया था, ये ब्लाउज मैंने इसका बनवाया था, ये है ब्लाउज। अब पूरी फैब्रिक इस तरह के प्रिंटेड था और इसका मैंने इस तरह से ब्लाउज बनाया। इसमें ये बॉर्डर दिए थे और जो कि स्लीव पे मैंने लगवाया है। और फिर दूसरी जो मेरी साड़ी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने मीशो से ली थी ये साड़ी, और इसका जो फैब्रिक है ये जॉर्जेट है, बहुत सुंदर है। ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप में साड़ी है और पूरी साड़ी इसी तरह है, और इसमें इस तरह के बॉर्डर लगे हुए हैं, बहुत फिनिशिंग है बॉर्डर में, बहुत सुंदर लगते हैं। इसको भी मुझे लिए करीब 9 महीने हो गए हैं और अब इसको मैंने 2-3 बार पहना भी है, लेकिन मैं अभी तक इसका ब्लाउज नहीं बनवाई हूँ क्योंकि ऐसा कुछ ज़रूरत भी नहीं पड़ा था कि ब्लाउज इसका स्टिच कराना पड़े। और उसकी जगह मैंने एक ऑनलाइन ब्लाउज लिया था मीशो से ही, जिसके ये जो एम्ब्रॉयडरी की हुई है इसके वर्क से काफ़ी मैच करती हुई है, ये देखिए। तो इसीलिए इसको मैंने ले लिया है कि जब भी मुझे जरूरत होती है तो मैं इसको पहन लेती हूँ। ये भी ब्लाउज बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी ये देखिए। और इसमें 3 लेयर में बेल स्लीव बनी हुई है, 3 लेयर है इसमें फैब्रिक का। बैक इसका इस तरह से है, बहुत सुंदर है। बैक ओपन है लेकिन आसानी है इसको पहनने में, क्योंकि नेक इसका डीप है तो आराम से आगे में हुक लगा के फिर पीछे कर लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट जो मेरी साड़ी है वो ये है, जो बहुत अच्छी निकली है मेरी। ये देखिए, इस तरह के साड़ी वाले बैग में आती है, और इसको मैं दिखाती हूँ। इसको मैंने बनवा लिया है क्योंकि ये साड़ी बहुत सुंदर थी। ये देखिए, ये ऐसी साड़ी पूरी प्लेन है, इसका कलर बहुत सुंदर है, मेहंदी कलर कुछ मिक्स है इसमें, और ये बॉर्डर है डीप ग्रीन कलर में है, और बहुत सारे इसमें कलर्स हैं, रेड कलर है, गोल्डन कलर है, और ब्लैक कलर नहीं है। पहले मुझे लगा था कि ब्लैक है लेकिन ब्लैक ये नहीं है, ये डीप ग्रीन कलर में है और लाइट ग्रीन कलर की ये साड़ी है, मेहंदी कलर की पूरी साड़ी इसी तरह है, बहुत सुंदर लगती है। साड़ी प्लेन है और हमेशा काम आती है, इस तरह की साड़ियाँ हमेशा यूज़ में आ जाती हैं। और इसका ब्लाउज जो दिया हुआ था इसमें फ्रंट में इस तरह के पैटर्न बने हुए थे नेक पे, जिसको मैंने स्टिच करा लिया, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी ब्लाउज वाले वीडियो में। तो ये देखिए, इस तरह के डिज़ाइन बने हुए थे, तो इसको मैंने फ्रंट में बनवाया है। और स्लीव पे इस तरह के बॉर्डर लगे हुए थे, स्लीव के लिए बॉर्डर दिए हुए थे, जिसको मैंने यहाँ पर स्लीव पर लगाया हुआ है। तो ये भी इसका ब्लाउज का फैब्रिक बहुत अच्छा था, काफ़ी बड़ा भी था, इसलिए इसमें डिज़ाइनर ब्लाउज आराम से बन गया। और ये बहुत अच्छा मुझे ये साड़ी लगा था, इसलिए मैंने इसको बनवा लिया है। और नेक्स्ट जो मेरी साड़ी है वो ये है, जो बहुत अच्छी निकली है। इसको भी मैंने कई बार पहना है, और इस तरह की साड़ी में पूरा मल्टी कलर में बॉर्डर लगे हुए हैं, रेड ब्लू ग्रीन बहुत सारे कलर हैं, बहुत सुंदर लगती है। अभी जिस इस तरह के पैच दिए हुए हैं, 2 कलर में ये साड़ी है, ग्रीन कलर और ब्लू कलर में। ये देखिए, ऊपर वाला पार्ट जो है ग्रीन वाला पार्ट ऊपर में आ जाएगा, नीचे में ब्लू वाला पार्ट आएगा, बहुत सुंदर लगती है ये भी साड़ी। ये देखिए, और आंचल में ये इस तरह के टेसल्स लगे हुए हैं दोनों कोने में, बहुत सुंदर लगता है पहनने पे। ये देखिए, बहुत अच्छी है ये साड़ी। और इसका जो ब्लाउज है, इसका जो ब्लाउज पीस दिया हुआ था उसको मैंने बनवाया नहीं है अभी, वो उसका कारण है ये कि आप देखिए, इसका ये ब्लाउज, ये डुपियन सिल्क का इसका ब्लाउज दिया हुआ था जिसमें ये बॉर्डर लगे हुए हैं, ये देखिए। तो
बिल्कुल इसी तरह दुपियन सिल्क का ही सेम कलर में मेरे पास एक और ब्लाउज था। ये देखिए, इसका साड़ी मैंने अपनी मेट को दे दिया जो कि मुझे पसंद नहीं थी साड़ी, लेकिन उसका ब्लाउज मैंने रख लिया था क्योंकि इस तरह के ब्लाउज बहुत काम में आ जाते हैं। तो दुपियन सिल्क का बिल्कुल सेम कलर में है, तो इसलिए बना के इसको फ़ायदा नहीं है। बस मैं इसमें जो ये बॉर्डर दिए हुए हैं इसको मैं रिमूव करके इसको मैं यहाँ पे लगा लूँगी, खुद से ही लगा लूँगी, इतना स्टिचिंग तो आता ही है सभी को, तो इसको मैं लगा लूँगी तो ये मेरा ब्लाउज रेडी हो जाएगा फिर, और ब्लाउज बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको। तो क्योंकि इसमें देखिए रेड कलर के पाइपिंग भी लगी हुई है और मेरे ब्लाउज में भी यहाँ पे रेड कलर की पाइपिंग लगी हुई है, तो बिल्कुल मैच कर जाएगा ये ब्लाउज। तो इसके लिए मैंने इसका ब्लाउज को स्टिच अभी नहीं कराया है। तो ये भी साड़ी जो है बहुत अच्छी निकली है मेरी। उसके बाद जो मेरी एक साड़ी है मैं दिखा रही हूँ उसको, ये देखिए ये वाइन कलर की साड़ी है और रेड कलर के इसमें बॉर्डर दिए हैं गोल्डन कलर में। इसका प्राइस ज़्यादा नहीं था, ये भी मीशो से मैंने लिया था, 400 के करीब था। और इस तरह के इसमें बीच बीच में फ्लावर बने हुए हैं, ये देखिए कुछ लगे हुए इसमें जैसे राखी वगैरह में लगते हैं उस तरह का है कुछ, ये देखिए। तो पूरी साड़ी इसी तरह है, बॉर्डर लगे हुए हैं, इस तरह के पैच लगे हुए हैं और इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, कलर बहुत सुंदर है, वाइन कलर बहुत सुंदर लगता है। इसका जो ब्लाउज पीस दिया हुआ है वो भी जो है ये है बंधेज का ब्लाउज दिया हुआ है इस तरह का, ये देखिए। अभी मैंने इस बनवाया नहीं क्योंकि इसे इसे मैंने रिसेंटली ही लिया है और अभी बहुत अच्छा निकला है, इसके लिए मैं आपको दिखा रही हूँ इसको भी। और उसके अलावा जो साड़ी मैंने ली है जो कि बहुत अच्छी साड़ी निकली है, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ उसको। मैंने पूरी की पूरी साड़ी रख ली है, ये देखिए ये तीन साड़ियाँ हैं, बहुत सुंदर है, जॉर्जेट की साड़ियाँ हैं, बहुत क्वालिटी बहुत अच्छी। इससे ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी आएगी, लेकिन फिर भी मैंने इसका 5 साड़ियाँ मैंने मंगाया था, जिसमें एक तो मेरी पड़ोसी ने उसी दिन ही ले लिया था जब मैंने ये पैकेट खोला था, तो क्योंकि उनको किसी को देना था बिदाई में, और इस कलर में वो साड़ी थी पिंक कलर में, इसका पिंक वाला जो था वो उसमें था, ये तो मेरे पास ये ब्राउन कलर में है। ये साड़ी बहुत सुंदर लगती है देखने में, ये देखिए। और इस सबके प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, ये 350 रुपीज़ में आ गई साड़ी। क्वालिटी बहुत अच्छी है, फिनिशिंग बहुत है इसमें और कहीं से भी कुछ भी डिफेक्ट वगैरह नहीं था कि जिसके कारण इसको रिटर्न किया जाए, और बहुत अच्छी साड़ी है। और इस तरह की मैं साड़ी बनवा के हमेशा रखी रहती हूँ कि कुछ भी जैसे तीज के मैं नेक्स्ट डे नई साड़ी पहनती हूँ, अपना व्रत खोलती हूँ, और इसी तरह जितिया के दिन भी पहनना होता है साड़ी, जो कि हैवी साड़ी उस दिन नहीं पहनती, व्रत इतना टफ होता है, तो इसलिए इस तरह की साड़ी जो होती है बहुत काम आ जाती है, बहुत सुंदर। देखिए ये भी साड़ी बहुत सुंदर है मेरी, ये देखिए इसमें बॉर्डर लगे हुए हैं ऑरेंज कलर में, ब्लू कलर में, बहुत सुंदर है, फिनिशिंग बहुत है, कपड़े के फैब्रिक बहुत अच्छी है, पूरी साड़ी इस तरह की प्रिंटेड है, ये देखिए। और ब्लाउज भी, ब्लाउज पीस इसमें ये देखिए इस तरह का ब्लाउज पीस आ जाएगा। और इसका जो इस वाली जो साड़ी है इसका ब्लाउज पीस ये दुपियन सिल्क का ब्लाउज दिया हुआ है, साड़ी का बॉर्डर जो है बहुत सुंदर है, फिनिशिंग बहुत है इसमें, बहुत अच्छी है ये साड़ी। ये भी रेड कलर कॉफ़ी कलर में है, बहुत सुंदर लगती है, पूरी साड़ी प्रिंटेड है, इस तरह के बॉर्डर लगे हुए हैं, रेड कलर का फैब्रिक लगा है और यहाँ पे ये इस तरह के कॉफ़ी कलर के बॉर्डर लगे हैं, बहुत सुंदर है। इसका भी जो ये दिखा देती हूँ मैं आपको ब्लाउज, ये देखिए प्लेन इसका ब्लाउज आ जाएगा, ब्लाउज पीस है इसका और प्लेन है, बॉर्डर दिए हुए हैं, आराम से आप चाहे बैक में लगवा लीजिए चाहे स्लीव पे लगवा लीजिए, जैसा आपका इच्छा हो। तो इन सबको अभी ये बिल्कुल नई है, फ्रेश है, अभी तक मैंने इसको बनवाया नहीं है, पहना नहीं है क्योंकि अभी मैं नहीं पहनूँगी, इसे सब पूजा वगैरह में बहुत काम आ जाते हैं, अक्सर नई साड़ी पहनना हो जाता है, तो बिल्कुल फ्रेश साड़ी मैं इस तरह के बनवा के हमेशा रखी रहती हूँ जो कि कभी भी ज़रूरत हुआ तो काम आ जाती है इस तरह की साड़ियाँ। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, तो और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे नई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बनी रहिए मेरे चैनल पे, धन्यवाद।